Assalamualaikum, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन और मैं आपकी शाजिया जिशान। साल 6 अक्टूबर को डॉन अखबार में खबर शाया हुई जो कि हर जबान जदे आम है जिसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ इतना कहना ही काफी होगा कि इस खबर में वजी अजम हाउस में होने वाले खुफिया इजलास का जिक्र किया गया था और इस इजलास के अंदर की जो कहानी थी वो बयान की गई थी शुरू में तो वज़ी अजम हाउस की जानब से इसकी तरदीद की जाती रही और ये कहा जाता रहा कि जो कुछ बयान किया गया वो हुआ ही नहीं लेकिन जब ये पूछा गया कि मुल्क के इतने बड़े इदारे ने बग़ैर तस्दीक ये खबर कैसे लगा दी तो चुप साध ली गई फ़ौज ने फिर इस खबर पर एक्शन लिया और इसके मुल्क की सलामती के मुनाफी इसको करार दिया और इस पर सख्त मौक़ अपनाते हुए इसकी तहकीकत का मुतालबा किया और फिर वजारत दाखिला के ज़ेर असर एक कमेटी बनाई गई नवंबर में बनने वाली कमेटी ने दिसंबर में रिपोर्ट पेश करना थी लेकिन नामालू वजूहत की बिना पर तखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए वज़ीर दाखिला ने यह बयान देते नज़र आए कि रिपोर्ट जल्द आ जाएगी आठ दिनों में आ जाएगी कुछ दिनों में कुछ दिनों में आ जाएगी फिर अल्लाह करके जब रिपोर्ट आई वजी अजम हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जिन पर कल विफाक वजीर रियाज पीरजादा ने करप्शन के इल्जाम लगा इस्तीफा दे दिया था इस नोटिफिकेशन में वजी अजम के मामन खसूसी तारक फातमी को बरतरफ कर दिया गया जबकि प्रिंसिपल ऑफिसर राव तहसीन अली ख़ान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है पाक फौज ने फौरी तौर पर रद्द ज़ाहिर करते हुए इस नोटिफिकेशन को मुस्रद कर दिया लेकिन वजी खाना इस हकदार ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन के दो हिस्से हैं दोनों को अगर मिला पढ़ा जाए तो इसकी समझ आ जाएगी सवाल यह है कि हुकूमत आखिर अपने इस रवैये से साबित क्या करना चाहती है क्या हुकूमत फौज के साथ चाहती है और क्या सूरत हाल जानब जा रही है क्या डॉन लीक्स के मामले में भी शरीफ ख़ानदान का कोई फर्द मुलव है इदारों के दरमियान होने वाला ये तसादम मुल्क के लिए आखिर किस कदर नुकसानदेह होगा और क्या फौज की जानफिकेशन को मस्तरद करना किसी अदम अहतमाद का इजहार है और सबसे अहम सवाल कि आखिर हुकूमत इस रिपोर्ट को मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही मुकम्मल रिपोर्ट को इस पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में लेफ़ीन जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब से शामिल है बहुत शुक्रिया साहब आपका आ, हिलाली साहब मैं कराची से ज़फ़र हिलाली साहब और पी टी आई के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत शुक्रिया मैं तमाम मेहमानों का जनल साहब आपसे शुरू करती हूँ तहकीकती कमेटी ने तीस दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा फिर तकरीबन छः माह बाद जब रिपोर्ट पेश की गई तो और उसमें तारिक फ़ातमी को बरतरफ किया गया आपने देखा इससे पहले परवेज़ रशीद को उनके अहदे से बरतरफ किया गया फौज की जानब से नोटिफिकेशन को मुस्तरद करना ये किस जानेब इशारा है देखो बड़ा वाजह है कि फौज मतमन नहीं है इस सारा जो मामला जिस तरीके से निपटाया गया जिसमें रैंक एंड फाइल में बड़ी बड़ा इसतराब है और जिसका बारहा उन्होंने इजहार भी किया अपने चीफ के सामने इसलिए फ़ौज के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस सारे मसले का सही हल सामने आता इसमें चंद चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए जब ये सब कुछ हुआ और जो भी बयान आए वजे दाखिला की तरफ से जब ये उनसे पूछा गया कि रिपोर्ट शायद क्यों नहीं हो रही तो उन्होंने कहा जी कि जो कमीशन के चेयरमैन हैं उनकी कंडीशन है कि जब तक सब एग्री नहीं करेंगे साइन नहीं होगा इसके ऊपर ठीक है एक तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कभी कमीशन में ये कंडीशन लगाई जा सकती नहीं या नहीं होनी चाहिए थी ये फिर कुछ दिनों बाद उन्हें कहा जी कम्प्रोमाइज हो गया है तो जिससे तासर यह मिला कि शायद अफवाज पाकिस्तान के जो रिप्रजेंटेटिव थे इसमें उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन थी अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उनके ऑब्जेक्शन को किसी न किसी तरीके सेटल कर लिया गया है और जिससे एक इसराब और बढ़ा सब में कौम में भी और फ़ौज में भी कि क्या ये हमारी सीनियर लीडरशिप के बारे में ऐसी बात की जा रही है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है कौमी सलामती के सारे मसले को तो जब ये जब जो भी था जो भी तय हुआ था जो भी मसाइल थे जिस तरीके से भी रिपोर्ट बनी है तो वज़ी अजम हाउस की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन आया तो इस पर ये रद्दमल फितरी भी था और सही भी था इसलिए भी सही था कि जो फौज के ट्रीट के मुताबिक मालूम ये होता है कि जो फाइनल रिकमेंडेशन दी गई थी सब को मिलाकर जिस पर एग्री किया गया था वो भी सामने नहीं लाई गई और उसमें भी पिका चूज़ किया गया यानी एक पहले जो डॉन लीस का मसला खड़ा किया गया वजी हाउस के में किसी तरफ से उससे जो नुकसान हुए अपने बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हमने दुनिया को जूता हाथ में पकड़ा दिया फौज मौका दिया मौका दिया बात का ठीक ये जिंदाल साहब जो अगले दिन परसों आके प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं उनका भी ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला किसी नहज पे पहुंचते हैं जिंदाल साहब पहुंच जाते हैं फौज और आई एस आई जो तो दुनिया में यही बात कर रही थी तो मसला इतना सीरियस था उसकी संगीने का एहसास किए बगैर इस कैवेर फैशन में जब इसको निपटाया गया तो फौज का इस तरफ लाजमी था और मैं रिएक्शन बिल्कुल सही था इससे बड़ा जाहिर है कि जिसने भी इसको हैंडल करके अल्टीमेटली जो रिजल्ट सामने आया है वो इंतहाई नापसंदीदा भी है उसको एक्सेप्ट किया भी नहीं जाना चाहिए था हुआ भी नहीं है तमाम सियासी पार्टियों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है इससे जो वजी हाउस वजे अजम हाउस में जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं उन सब पेम अतम बड़ा सामने जाहिर है इसके बीच ठीक है जफरी साहब फौज का नोटिफिकेशन को मुस्रद करना क्या ये पैगाम दे रहा है कि जिनको जिम्मेदार ठहरा कर बरतरफ किया गया उनकी बरतरफी काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल में ये उनको करना बहुत जरूरी था माने कि अगर फौज इसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करती इमीडिएटली तो ऐसा महसूस होता कि ये जो सबसे बड़ा एक किस्म की साजिश जो हमारे फौज की तरफ कही गई है और ये जो हमारे फौजी अफसर हैं जो बार बार उस लेवल पे जिधर वो लड़ते हैं और मरते हैं इस मुल्क के लिए mm. जवान लेफ्टिनेंट्स कैप्टन मेजर्स उन्होंने बार बार उनके सीनियर्स को बताया mm. कि ये अटेम्प्ट एट लाइनिंग द फौज हमें बदनाम करना अनएक्सेप्टेबल mm. हमें जानना चाहिए किसने ये फैब्रिकेट किया किसने इसको प्लांट किया और क्या सजा उनको मिलेगा mm. बड़ा शुक्र है कि ये कॉन्ट्रीडिक्शन आ गई hmm. अगर ये कॉन्ट्रीडिक्शन नहीं आती तो फिर कहते भाई वही, वही पानामा का चक्कर का चक्कर आई एम सो ग्लैड इट कहने की बात यह है कि ये ट्वीट्स और चौधरी निसार साहब ने कहा ट्वीट्स। मैं जानना चाहता हूं जब प्राइम मिनिस्टर बीमार थे लंदन में क्या उनके बुलेटिन आ रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बिल्कुल नहीं एक ही तरीका था हमें पता करने कि हमारा प्राइम मिनिस्टर लंदन में हॉस्पिटल में है कैसा है वो ट्वीट्स आ रहे थे दैट वाज दी ओनली उस वक्त तो इनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था ट्वीट्स के बारे में अब इनको ऑब्जेक्शन आ गया है देखिए मिनिस्ट्री आईएसपीआर एस इज पब्लिक रिलेशन इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ठीक है ना पब्लिक रिलेशन कह रही है एक चीज विच इज हार्मिंग दी पब्लिक रिलेशनशिप ऑफ द आर्मी विद इट्स ओन पीपल ये तो बिल्कुल सही उनका इंटरवेंशन था ये डिफेंस अगर वाकई किसी को ये स्टेटमेंट इश्यू करना था तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होना था दो आर दी ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ द आर्मी तो ये बड़ा कंफ्यूजन खाम खा क्रिएट किया गया मैं तो सिर्फ शाजिया पूछना चाहता हूं कि क्या भाई जब आपने रिपोर्ट इस नोटिफिकेशन को तैयार कर दिया क्या आपको समझ नहीं आई कि ये फौज की तरफ भेज दो तो? आखिर ये पूरा मामला कंसर्न दी आर्मी आप उधर भेज देते वो कहते नहीं आई एम सॉरी वो कहते नहीं ये नोटिफिकेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन नहीं दिया गया तो आपके ख्याल में नोटिफिकेशन में तब्दीलियां आप जायरा किसी के कहने पर की गई हैं और क्यों की गई इस आपको लगता है किसी के कहने पर ये तब्दीलियां की गई हैं मैं तो समझता हूं अगर आप ये कुछ शोज पे आप सुने ये पी के लोग क्या कह रहे हैं कि हर गिज नहीं किसी मेजर जनरल का हक नहीं बनता ये करने वो करने मेजर जनरल क्या हर आदमी हर ऑर्डनरी सिटीजन का हक बनता है झूठ कुछ झूठ को पॉइंट आउट करना और कहना कि यह झूठ है नंबर वन दूसरी बात यह है हम लोग देखिए ये एक एक को समझना चाहिए नवाज शरीफ साहब जब सुबह उठते हैं वो 1999 सोचते हैं सोने के पहले 1999 सोचते हैं हर तकरीर में 1999 तो मैं तो कहता हूं कि भाई अगर एक एक का दिमाग अगर इन लोग समझ जाएं तो आपको पता चलेगा क्यों आपकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है इस किस्म के स्टेटमेंट पे ठीक है मुझे ब्रेक लेने दो तो ब्रेक के वापस आएंगे तो, तो, करें। ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया लेकिन आखिर हुकूमत मुकम्मल रिपोर्ट शायद करने से क्यों खौफजदा है एक छोटे समझते

जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत इस इशू को तकरीबन छः सात महीनों से आठ महीनों से ट मटोल का शिकार इसको कर रही थी और इसको सीरियस नहीं ले रही थी आखिरकार उसका रिज़ल्ट एक आज आपने देख लिया इसको अगर एक और एंगल से देखें अगर आई एस पी आर की तरफ से वो ट्वीट या वो बयान ना आता तो इस वक्त जो कंडमनेशन नेशन की तरफ से हकूमत की हो रही है वो आपकी उससे पाक फौज की भी हो रही होती क्योंकि हमारी कौम जो है वो फौज के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर इस पे थोड़ा सा भी ढीला ढाला रवैया इख्तियार किया जाता तो जो हमारी फौज की जो लीडरशिप है उन पर भी मैं समझता हूँ काफ़ी प्रेशर होगा इस चीज़ को लेके इसका रिज़ल्ट आखिर क्यों नहीं निकल रहा मैं समझता हूँ बहुत बर वक्त उसका उन्होंने किया है वो ट्वीट दे के और अपने खदशात का भी इजहार किया है ये जिस तरीके से आज ये आई है मैं समझता हूँ ये और भी ख़तरनाक है बजाय इसके कि जिन लोगों ने ये काम किया था आ, उनको करार वाकई सजा दी जाती स्केप बोर्ड्स तलाश किए गए तारिक पातनी साहब की सूरत में या जो दूसरे हैं आ, उनकी सूरत में असल में आज जो हुआ है वो तो लगता ये है कि जिन लोगों ने ये ट्वीट्स करवाई हैं ये जो लीक्स करवाई हैं डॉन लीक्स लगता ये है कि वो लोग तो आज भी एक्टिव हैं कि जिस तरीके से ये लीक्स हुई और फिर जिस तरीके से इसको आज इस ख़बर को रिलीज़ किया गया और चौधरी निसार ने आके फिर ये कहा कि ये तो हमारा काम था और आज मुझे पता नहीं है कि आज हमारे डिफ़ेंस मिनिस्टर किधर हैं वो जो हमेशा लोगों को शर्म और हया की बात करते हैं आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शर्म होती है कोई हया होती है एक मुल्क की फ़ौज होती है जिसकी, जिसकी जिम्मेदार उस मुल्क की हिफाजत करने वाली उसकी जो है वो उस वक्त की हुकूमत वक्त होती है ये आप इसको देखिए मैं कोई फ़ौजी अमूर का एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है मेरी अपनी एक ज़ाती राय यह है कि इस तरह का ट्वीट जो आज आईएसपीआर की तरफ से आया है ऐसा करने से पहले वो सौ बार सोचते होंगे हमेशा जो आपके दिफा इदारे होते हैं वो अपना काम करते हैं लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते ये एक्सप्रेशन के लिए हुकूमत यूज़ की जाती है जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका ये काम होता है लेकिन हमेशा जब भी फ़ौज का इशू हो पाकिस्तान की सलामती का इशू हो चाहे वो कुलभूषण यादेव हो या जिस तरीके से ये दूसरा जो आया था हिंदुस्तान से जिंदाल उस पर हुकूमत हमेशा सुमन बुकमन होती है उनकी तरफ से बात नहीं की जाती डिफेंस मिनिस्ट्री हमेशा खामोश होती है कौन को नहीं बताया गया कि ये जो साफ आए वो क्यों आए और इसका भी लोगों को शायद इलम बहुत से लोगों को नहीं होगा कि ये जो स्टील मैगनेट है जो है जंदाल जो आया था इसके और इसके बेटे के पाक फौज और खासकर हमारे जो हसास इदारे हैं सिक्योरिटी के इंक्लूडिंग आई एस आई इसके बारे में इनकी कितनी एक घटिया राय थी जो वो हिंदुस्तान में ट्विटर के जरिए वो देते रहे हैं तो ऐसे लोगों से मिलना क्या कौम को एतमाद में लिया गया कि वो कौन से उमूर थे जिनको आप लेके वहाँ गए मरी मरी का तो आपका अलाउ भी नहीं था हाउ कैन यू गिव दम स्टेट लेवल रिसेप्शन अपना इंटरनल फ्रेंड

जो कोशिश करें कि वो पकड़े जो भी उसमें इन्वॉल्व है मैं सिर्फ इतना इशार आपको दूंगा कि कोई भी पाक फौज से और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी से और मुल्क पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे जितना भी बड़ा सर हो वो पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं है ठीक है हिलाली साहब आप भी समझते हैं कि असल किरदार छुपे बैठे हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है हमें सब पता है जी कौन है कौन छुप रहा है और क्यों उनको बचा रहा है ये सब पता है ये ये खेल कब तक खेलेंगे हम मेरे ख्याल में कि बस अपने फौज ने रिजेक्ट कर दिया है इसको सही किया है रिजेक्ट कर दिया है अब देखें इनका क्या एक्सप्लेनेशन आएगा एक और उसमें झूठ होगा डार साहब ने तो एक्सप्लेनेशन दे, तो दे तो दिया ना वो है। कहते हैं नोटिफिकेशन के दो हिस्से हैं दोनों को मिलाकर पढ़े तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी कैसा रवैया इनका देखिए बात असल ये है कि ये लोग जिसने ये किया है इन्होंने वो काम किया है देखिए ये जो फ़ातमी है मिसाल के तौर पे ये मेरे से दो साल जूनियर है सर्विस में ये नवाज़ शरीफ साहब के पास पहुंचा मेरे बारे मेरे बाद मैं पहले था बीबी -बी के साथ मेरे बारे में वो मेरे बाद और मैं ख़ुद निकला उधर से इसलिए कि बीबी चले गई तो वो मिराज खालिद साहब आए कैटे का उनको तो बिच अंग्रेज़ी नहीं इतनी समझ आ रही थी और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ अंग्रेज़ी था तो मैंने उनसे ख़ुद कहा कि बड़ा मुश्किल है आप और मेरा तो उन्होंने कहा हाँ तो मैंने कहा तो फिर मैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को वापस जाता हूँ उसके बाद ये नवाज़ शरीफ साहब इलेक्ट हो गए सिलेक्ट हो गए वो आ गए और फातिमी को साथ लिया है और फ़ातिमी के जो करतूतें थी उस सेक्रटेरियट में सबको बताया अब उसको दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि ही इज़ अ वेरी लॉयल अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोठियर हैं कोठियर माने क्या कहते हैं जी या दरबारी क्या कहते हैं दरबारी दरबारी और ये इनको नर्वस ब्रेक डाउन हो गया जब वो गवर्नमेंट चले गई इसलिए ये जार बंद के सफ़ी अमरीका में बल्कि पहुँच गए थे तो जब उनको पता चला कि मुशरफ आ गया तो ही हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन तो एक और दरबारी ने फिर उनको बचाया वो दरबारी का भी नाम मैं कहता हूँ हालांकि उन दरबारी के लिए मेरी बड़ी इज़्ज़त है शाहरियार खान साहब उन्होंने इनको बचाया और फिर जॉर्डन में भेज दिए जिधर दरबारियों का आपको पता है उधर तो एक रॉयल कोर्ट है तो दरबारी उधर बड़े एक्सेप्ट होते हैं बिल्कुल ये काम इन लोग सब कर सकते हैं और शायद का इनका भी हाथ है मगर द मूविंग फोर्स द मोटिवेटिंग फोर्स वो फोर्स जो वाकई इसको एक पर्सनल किस्म का एजेंडा के साथ आगे ले जाते हैं वो फोर्स हम जानते हैं और उनका नाम कभी आएगा ही नहीं उनका नाम तो मैं समझता हूं कि आएगा ही नहीं अगर आ गया बहुत अच्छी बात है आना चाहिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मामल बिल्कुल ये बिल्कुल, का बिल्कुल है। सब कुछ सामने आना चाहिए लेकिन आखिर ऐसा इस रिपोर्ट में है क्या लेने ब्रेक के बाद आके आपसे पूछूंगी ऐसा आखिर इस रिपोर्ट में है क्या? कि तो हुकूमत इसे शायद करने से कतरा रही है खौफ महसूस कर रही है एक छोटे से वक्त के बाद। के बाद पुष्प ऐसा रिपोर्ट में क्या हो सकता है दो ही वजूहत हो सकती हैं एक तो ये कि इसमें कोई ऐसे नाम थे जो हुकूमत सामने लड़ा नहीं चाह रही ठीक है ज़ाहिर ये चीज़ तो नज़र नहीं आती दूसरी यह है कि जिन लोगों को भी इसमें कसूरवार पाया गया है उनकी सजा के बारे में होगा और एक महम से शायद शक ये भी है कि शायद किसी एक शख्स के बारे में जो इस रिपोर्ट में तय हुआ था वो उसको आ, निकाल दिया गया है उसका आम नाम शामिल नहीं किया गया आमतौर पर तास साहब थे जिसके बारे में कहा था कि उनको सैनट से हटा दिया जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ था इसलिए शायद तो ये भी है लेकिन इससे बढ़कर देखिए हम सारे सारे मामला हम समझते हैं कि फौज का मसला है फौज का मसला नहीं है ये मसला प्राइम मिनिस्टर का खुद है ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का और सीक्रेट्स के अल्टीमेट कीपर तो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं वो अब आप तरफ देखिए कि कुलभूषण यादव का बयान आया है कि भारत और अफानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं फिर अगले दिन एहसान का बयान आया कि भारत और अफानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं और ये बड़ा सही नैरेटिव है जो पाकिस्तान को पेश करना चाहिए दुनिया के सामने बिल्कुल अब प्राइम मिनिस्टर यही नैरेटिव लेकर दुनिया के सामने जाएंगे तो जब दुनिया को कहेंगे जी भारत और अफानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहे हैं तो वो कोई रिपोर्ट ये सामने रख देगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आफ ही के ऑफिस से ये बात सामने आई है कि आपकी आर्मी और आपकी आई एस आई जो है वो दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रही है ये तो प्राइम मिनिस्टर का क्या वहां पे भरम रह जाएगा और कैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी बात पूरी कर सकेंगे और फिर जब ये तासुर दुनिया को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अपनी बात उनके ऑफिस से जो निकली बात है उसको उनके इधारा ने रिजेट कर दिया है तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो स्टैंडिंग है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड क्या रह जाएगी इसमें तो इशू मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली आपके कहने का मतलब उसी ने फौज को देना हिंदुस्तान में हमला कर दें अफगानिस्तान में हमला दें या फ्राण कर दें तो जब अपने इदारे को खुद सेटिस्फाई नहीं कर सकते या अपने इदारे की जो सीनियर लीडरशिप है उसके बारे में बदगुमानी पैदा करने का बायस बन रहे हैं तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बायस है लम्मा फिक्रिया है उनके लिए सोचने के लिए तो इसलिए मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और संजीदगी से, से इसको लेना चाहिए और इसके अवलियत फैशन से जो डील कर रहे हैं नहीं होना चाहिए जो भी जिम्मेदार हैं जो भी जिम्मेदार हैं इसमें जो शख्स भी जिम्मेदार है या जिसके खातूनों का भी नाम लिया तो वो ज़िम्मेदार है उसको बजाय हम पर्दे के पीछे रखने के अगर इसको सामने ला के इसको सही तरीके से डील कर लिया जाए तो मामला फिर भी बेहतर की तरफ जा सकते हैं और यही एक रास्ता है जो पाकिस्तान के तमाम मामला को बेहतर रखने के लिए कि आप जो सही तरीके के मुताबिक चले गवर्नेस को सही रखें अभी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ बात निकलती है वजी दाखिला कुछ कह रहे हैं वजी खजाना कुछ कह रहे हैं उन्होंने अगले दिन न्यूयॉर्क हु। हाँ, है है। में दो हिस्सों को बयान आ रहा है नहीं मैं हैरान हूँ इस बात पे कौन से दो हिस्से हैं जो हमें नहीं पता लग रहे इस चीज़ के वो अभी तक सामने क्यों नहीं लेकर आई हुकूमत ने क्यों अपने लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर लिया जानबूझ के तो ये तो और भी नाहिए है इसमें हिलााल साहब पहले अदलिया ने वज पर अदम एतमाद का इजहार किया कहा कि सादिक और अमीन नहीं है और अब डॉन लीक्स पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, गया है फ़ौज की जानब से इसको मुस्तरद करना जिससे ये डेफ़िनेटली ये लग रहा है सबको पता चल रहा है कि जो अस्करी और सिविल अदारे हैं इस एक पेज पर नहीं है तो क्या आपको लगता है ये सारी सूरत हाल जो है वह तसादम की तरफ जा रही है देखिए कुछ लोग हैं जो मैं समझता हूँ अगर आप कहें कि ये मेरा दोस्त है तो आप पे उतना ही बुरा महसूस होता है जब आप कहें कि ये मेरा दुश्मन है मेरे ख़्याल में कि नवाज़ शरीफ साहब को हम तीस साल से जानते हैं हमने तीस साल से उनका हर चाल उनका हर खेल उनका हर मूव एनालाइज किया है और कम से कम अगर एनालाइज नहीं किया है हम समझते हैं और फिर भी मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आखतीस साल के बाद भी यही खेल चल रहे हैं मुल्क में तीस साल के बाद भी यही एक्यूजेशंस उनके खिलाफ हो रहे हैं बल्कि एक्यूजेशंस बढ़ गए हैं मॉडल टाउन के बाद तो अब एक्यूजेशन ऑफ मर्डर और कत्ल आ गया है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रेट हैं और हमारे साथ इस वक्त एक हमारे क्या कहते हैं पॉलिटिशन बैठे हुए हैं ये जो इलेक्ट्रेड है जो इनको भी इलेक्ट करती है और इनका रिपोटेशन ठीक है और उनको भी इलेक्ट करती है और जदारी साहब को भी इलेक्ट करती है तो देखिए ये कैसे हो सकता है कि उनकी इलेक्शन सही है या हमारे लोग जो हैं सही लोगों को इलेक्ट करते हैं या डेमोक्रेसी इधर काम कर रहा है कि सबसे दो बड़े लोग जिनके खिलाफ हर किस्म का क्राइम का इल्ज़ाम है ये एक है गवर्नमेंट का सरबरा और एक है ऑपोजिशन का सरबरा आप मेहरबानी से मुझे बताएं ये अगर रिवेंचुअल प्रोडक्ट है डेमोक्रेसी का तो फिर ये क्या है इस सिस्टम फिर फेल नहीं हो गया मेमो गेट पर हमें कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया तो यह मामला मेमो गेट की तरह कोई दब तो नहीं जाएगा अगर यह मामला दब गया है वेरी सॉरी तो जितनी थोड़ी इज्जत रह गई है अपने लिए अपने माशरे के लिए अपने सोसाइटी के लिए अपने इधारों के लिए वो भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल विल वी इंटरवीन जब वो आदमी खड़े मुझे ब्रेक लेने थे, ब्रेक के बाद आने वाले इंतबाब में क्या वजी आजम साहब पाना लीक्स का दाग है डॉन लीक्स का दाग है क्या इस दाग को धो पाएंगे क्या भुगतना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को दो हजार अठारह के इंतजाम में छोड़े से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदली ख़ास साहब जिस तरह आप लोगों ने पानामा लीक्स पर हुकूमत पर दबाव डाला कि साफ़ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें मुलवस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए इसी तरह आपको नहीं लगता कि तमाम अपोजिशन जमातों को सम सियासी जमातों को एक पेज पर इकट्ठा होकर हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि डॉन लीगस के पीछे जो किरदार हैं छुपे हुए उनको सामने ला कर कर करार वाकई सज़ा दी जाए मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ और अगर आपने आज देखा हो तो चेयरमैन पाकिस्तान तरीक इमरान खान साहब ने भी और जो अपोजिशन लीडर हैं ख़ुर्शीद शाह साहब ने भी इस पर बात की है हमने तो बड़ी सख्ती से इस पर बात की है बल्कि आपने क्रॉस द तो बोर्ड आज देखा होगा तकरीबन सब पॉलिटिशन ने सिविल सोसाइटी ने जो इंटलेक्चुअल क्लास है आम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर आप सोशल मीडिया पर जाके देखें बड़ा ही स्ट्रॉग रिएक्शन आया है मियाँ साहब के ख़िलाफ़ लेकिन यहाँ मैं एक बात अर्ज करता चलूँ अभी यहाँ पे एक एनलिस्ट बैठे कुछ गुफ्तु रहे थे जितना मैंने इस चीज़ को कंडेम किया है जो ये किए हैं अपना हुकूमत ने जिस तरीके से इसको डॉन लीग्स को डील कर रहे हैं और सब ने किया है उतना ही मैं इनके कुछ अल्फाज पर एक्सेप्शन लेता हूँ कि उन्होंने कहा कि क्या इंटरव्यू नहीं करना चाहिए आई थिंक ये मौका ऐसी बातों का नहीं है वो वक्त चला गया जब इंटरवेंशन होती थी वो चला गया आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सिर्फ़ आप हैं क्या आप क्या समझते हैं कि सारे पॉलिटिशन जो हैं वो खुदाना खास्ता गद्दार होते हैं मुझे फ़ख्र है मैं एक सियासतदान हूँ मैं एक वकील भी हूँ मैं एक इंजीनियर हूँ एक ऐसे आदमी का पोता हूँ मुस्लिम लीगर जिसने पाकिस्तान बनाया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग नहीं तो मैं ये समझता हूँ पाँच उंगलियों में फ़र्क है हम पाक फौज पर कुरबान होने वाले लोग हैं और ख़ुद आर्मी फैन आर्मी को हमने जो है शोहदा और गाजी दिए हैं तो प्लीज़ इस तरह की गुफ्तुना कीजिए आइन से मुबरा कुछ नहीं होगा इस मुल्क को एक ने बनाया था जिसका नाम और यहाँ पे अगर गलतियां करते हैं तो फौजियों ने भी कोई कम गलतियाँ नहीं की आज अगर नवाज शरीफ की पीएम हाउस से इस तरह की हरकतें हो रही हैं इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न सारे के सारे पॉलिटिशियन जो है वो खराब है और ये भी इसका मतलब देखिये मैं ये समझता हूँ इंटरवेंशन की बातें करना फौज से भी ज्यादा है इस तरह की बातों से किया जाना चाहिए जिन लोगों ने गलत काम किया है इनसे बहुत पहले हम लोग इसकी डिमांड कर चुके हैं हिलाली साहब हिलाली साहब पीपल्स पार्टी हमने देखा कि बयान की हद तक एहतजाज भी करती है एतराज भी उठाती है सख्त मुतालबात भी करती है लेकिन प्रैक्टिकली जब प्रेशर डालने की बात आती है अब प्रैक्टिकली इकदाम करने की बात आती है तो पीपल्स पार्टी पीछे हटती हुई नजर आती है पानामा लीग्स की मिसाल हम सबके सामने है आपने मुझे पूछा था मेरे ख्याल में कि क्या करना चाहिए और हमने फैसला तो ये किया था गवर्नमेंट और फौज ने कि कुछ होना चाहिए इस बात पे माने डॉन लीक्स पे तो वो इंटरवेंशन जो मैं बात कर रहा था मैं कह रहा था कि अभी कुछ होना चाहिए माने कि जो अग्रीमेंट हुई है उस पर किया है इंटरवेंशन का मतलब यह था कि जो नोटिफिकेशन था जो सिफारिशा थी उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए इस पर इंटरवीन करना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा मतलब यही था मगर इनका गिल्टी कॉन्शियंस इतना है वो कुछ गलत ऐसे होते हैं कि ये तो कहेंगे ऐसी चीज ये, तो ऐसी ये, ना, ये, ये ये तो तो ये ऐसी गलत गलत नहीं है नहीं, वो गलत, गलत उन्होंने इसको अंडरस्टैंड कर लिया इसमें ना उनकी गलती है ना आपकी बात क्लियर होगी अच्छा मेरा सवाल आपसे था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने आपसे बात की वो सिर्फ बयान की हद तक जो है ना वो नजर आती है प्रैक्टिकली कुछ करती हुई नजर नहीं आती नहीं शाजिया कैसे करेगी उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है इतने सीरियस हैं अगर इस बात पे नहीं है इसलिए इसमें वो शरीक नहीं हुए हैं मगर दूसरे बातों में उनके इल्ज़ाम आप देखिए किधर है तो क्या ये बेचारे इंटरव्यून करेंगे दे टू पीस फ्रॉम द सेम पॉड ये अपने आप को इतना ये कि आप हाँ क्रिटिसाइज़ जरूर करेंगे पोलिटिकल एडवांटेज लेंगे अगर सीट ज़्यादा मिलते हैं ज़रूर करेंगे मगर बेसिकली ये एक पौध के हैं दोनों द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन मेरा अपना ख्याल है कि बस जो कहना है वो कहते रहेंगे मगर करेंगे कम ठीक है जलसा दो हज़ार अठारह के इंतबा में क्या हुकूमत के लिए नेगेटिव जाएंगी अब शरीफ ख़ानदान के लिए वजी अजम नवाज शरीफ के लिए नेगेटिव जाएंगी ये बातें पनामा लीक्स है डॉन लीक्स है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है मैं ये समझता हूँ कि हमने जो गलतियाँ की हैं इस मुल्क को इस स्टेज पर लेकर आए हैं जो मेरी नौजवान नस्ल है वो इनसे बहुत आगे निकल चुकी है वो चीज़ समझती भी है और वो अपने लोगों को समझाने की अहलियत भी रखती है और मुझे ये, ये उम्मीद है और दुआ भी है मेरी कि जब हम 2018 के इलेक्शन में जाएं अगर इलेक्शन अदा करे होते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो फिर जो भी शको शुबा क्या है देखिए जिस तरीके से हालात चल रहे हैं जो हालात किए जा रहे हैं क्या पता क्या होता है पाकिस्तान में आपको तो पता नहीं चल रहा है हम डाउन लिग्स जैसे मसले को तो हल नहीं कर सके तो बाकी मसाइल क्या करेंगे हम सारे इसको कर्जा आप पता नहीं बात लगा हुआ आपका मैं खर छोड़िए तो मुझे उम्मीद ये है कि ये जो हमारी नई नस्ल है जो इतना मीडिया में भी है पढ़ती भी है समझती भी है मुझसे बहरहाल बहुत बेहतर समझती है इस मुल्क से मोहब्बत भी मुझसे शायद ज्यादा करती है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस तब्दीली लेके आएगी और जो भी मुलवस है अनासर उस तब्दीली के लिए मौजूदा सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी जी, बदलना है बहुत जरूरी, जी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है है आपका जो अमल उसको बदलना बहुत उसको बदलना बहुत जरूरी है और इन लोगों के लिए हम बड़ा क्लियर कट सिस्टम सामने लेके आना चाहिए ताकि ये जो नए नस्ल है वो अपने आप को इजहार कर सके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके जो हम लोग बिगाड़ पैदा कर चुके हैं उसको बेहतर कर सके ये हम पर भी लाजिम है और मैं समझता हूँ कि जो आज देख रहे हैं आपकी बात देख रहे हैं जो सुन रहे हैं बात जो इस चीज़ को अवेयर है इस चीज़ को उनको भी खड़ा होना पड़ेगा वरना देखिए जिस हाल जिस तरीके से हम जा रहे हैं डाउन स्लाइड जिस तरीके जा रही है हमारी फिर नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं को होगा हम हुक्मरान तबके का नुकसान नहीं होना वो तो आराम से बैग उठा के बाहर चले जाएंगे मरेंगे और मारेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ही जो रहने वाले हम जैसे लोग हैं नुकसान तो वही उठाएंगे सारा इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा भी फ़र्ज है उन सब का भी फर्ज है और ये सामने आएंगी चीज़ें ऐसे तो तब्दीली, तब्दीली लाली साहब सिस्टम को बदले बगैर नहीं आ सकती बिल्कुल सही कह रही हैं आप और बदलेगा इनशाला बदलेगा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इससे अब इससे नीचे के अब क्या जा सकते हैं हम कोई इल्ज़ाम रह गया है हमारे लोगों के खिलाफ हमारे लीडरशिप्स के खिलाफ तो अब बेहतरी होगा आप ऐसा ऐसे

ये मैं अर्ज़ जरूर करता चलूँ कि सिस्टम जो आपका मौजूद है उस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अकाउंटेबिलिटी और जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत नहीं होता अगर आपने अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत कर दिया ये मौजूदा मुल्क आपको डिलीवर करके दे देगा लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मजबूत नहीं है अगर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और, और उसमें सब आते हैं सिर्फ सियासतदान नहीं अगर एहतसाब हो तो फिर सियासतदान के साथ साथ जज और जर्नेल का भी हो जिसमें बच्चा एहतसाब होना चाहिए ठीक है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका जनल साहब आपका बहुत शुक्रिया जफ़र आल मेरे साथ इन प्रोग्राम का वक्त हो गया नाइट एडिशन से शाजिया जिशान को इजाजत दीजिए आपसे मुलाकात होगी कल हाफिज़